injuries. Amen, Dr. Thank you. सबसे पहले मैं एक अंडा तोड़ दूँगी. थोड़ा सा वैनिला एक्सट्रैक्ट डालूंगी इसके अंदर. दो तीन ड्रॉप, ज्यादा नहीं. थोड़ी सी चीनी. टू टीस्पून ऑलमोस्ट. मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करूंगी, लिक्विड मिल्क 2 टेबल स्पून के करीब. इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी. थोड़ा सा मैं इसमें जर्दी का रंग शामिल करूंगी, एक चुटकी, एक डबल रोटी का पीस लीजिए, उसको कटर की मदद से इस तरह से कट करना. जितने आपको बनाने उतने कट कर लें. मुझे जितने पीसेस के ये बनाने थे उतने मैंने कट कर लिए हैं. अब मैं इसको फ्राई करूंगी. देखते जाएं कि मैं इसको किस तरह फ्राई कर रही हूँ. इस बची हुई डबल रोटी को, जो मैंने फ्रेंड टोस्ट में डबल रोटी यूज की थी, इस बची हुई डबल रोटी को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो जानने के लिए देखते रहिए लाइफ कंपनी. सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर देती हूँ. सही. सबसे पहले मैं इसको इसमें अच्छे से इस तरह से डिप करूंगी. सही है, दोनों तरफ से अच्छे से डिप कर लें. अब मैं इसको इसमें फ्राई कर लूंगी. ज्यादा ही डल गया. आप चाहे तो एक साथ 2-3 कर सकते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा. ये हो गए हैं सारे तैयार. अब मैं न्यूट्रेला, ये मैं सबके घरों में होता है आजकल, नहीं हो तो आप उसके बीच में शहद भी लगा सकते हैं. मैं इसके बीच में न्यूट्रेला यूज कर रही हूँ. मैं इसको इसके ऊपर कवर कर दूंगी इस तरह से. और इसको छुरी से ऐसे कट करके, इतना जबरदस्त स्नैक फटाफट तैयार हो गया. ऐसी रेसिपी है जिसको आप लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं. बहुत इजी है, फटाफट बन जाती है. बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें. अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.